समय में महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, देविका फिल्म नायिका बनकर समाज के लिए नायक बन गई। 30th मार्च 1908 में देविका रानी चौधरी का जन्म आंध्र प्रदेश वाल्टेर नगर में हुआ था। वैसे तो देविका रानी ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में की है, लेकिन वो इंडिया वापस इसी फैसले के साथ लौटी थी कि अपना करियर वो फिल्मों में बनाएंगी, लेकिन परिवार की ओर से इसकी इजाजत नहीं मिली। इंग्लैंड में कुछ साल रहकर देविका रानी ने रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एक्टिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने वास्तुकला में डिप्लोमा भी किया। कुछ समय बाद देविका की मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई। वो प्रोड्यूसर देविका की वास्तुकला का हुनर देखकर काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने देविका को बतौर डिजाइनर नियुक्त कर लिया। इस बीच उनकी मुलाकात प्रसिद्ध डायरेक्टर हिमांशु राय से हुई। हिमांशु देविका की खूबसूरती पर मुग्ध हो गए और ईयर 1933 में अपनी फिल्म कर्म में काम देने का ऑफर दिया, जिसे देविका ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु राय ही बने। ये किसी इंडियन के हाथों बनी पहली इंग्लिश बोलने वाली फिल्म थी। फिल्म में पहली बार 4 मिनट का किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके बाद देविका को काफी क्रिटिसाइज किया गया और फिल्म पर रोक भी लगा दिया गया। इसके बाद हिमांशु ने देविका से शादी कर ली और वो मुंबई आ गए। हिमांशु और देविका ने साथ में मिलकर अपने करियर को आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।